कश्मीर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। कश्मीर पर पाक पीएम इमरान खान का नया पैतरा। कहते हैं लात की भूत बात से नहीं मानते, कुछ ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान की है जो कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में कूटनीति मोर्चे पर बुरी तरह मुंह की खाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के खिलाफ नई साजिश रचना इसकी आदत में शुमार हो गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर पर चर्चा कराने में नाकाम रहने के बाद हताश इमरान खान ने नई चाल चली है। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर में 10 दिनों का एक अभियान शुरू करने वाला है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोगों के समर्थन में 5 फरवरी को जनता घरों से बाहर निकले। अपने एक ट्वीट में मोदी सरकार को फासिस्ट करार देते हुए इमरान खान ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी घर में और विदेशों में 5 फरवरी को 80 लाख कश्मीरियों के समर्थन में एकजुट हो, जिन्हें 9 लाख भारतीय सैनिकों की ओर से पिछले 6 महीने से मोदी की फासिस्ट सत्ता में दबाया जा रहा है। हालांकि पहली बार नहीं है जब इमरान ने अपने मुल्क के लोगों से इस तरह की अपील की है। इससे पहले भी कई बार इमरान खान कश्मीरियों के समर्थन में जुटने का आह्वान अपने देश के नागरिकों से कर चुके हैं। असल में पाकिस्तान में 5 फरवरी कश्मीर डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान में कश्मीर के मुद्दे को देश और विदेश में उठाया जाएगा। कुरैशी ने कहा कि इसकी शुरुआत 25 जनवरी से ही हो जाएगी और ये 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को कश्मीरियों के संघर्ष के बारे में बताना है। एक्सपर्ट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विफल होने के बाद भी पाकिस्तान की ये नीति है कि कश्मीर मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा तूल देता रहे। इससे एक तरफ तो सरकार अपनी घरेलू असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाह रही है और दूसरी तरफ वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दिखावा कर सके कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। यानी पाकिस्तान का ये नया पैंतरा अवाम को कश्मीर पर बरगलाने का है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर पर लगातार विफल होने के बाद भी पाकिस्तान आखिरकार अपने इरादों से क्यों बाज नहीं आ रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।